देवी प्रकोप है, बाढ़ रहा जो है देवी प्रकोप। दर्द जानने के लिए जाएंगे किस क्षेत्र में? जाएंगे नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के पास जाए और बाढ़ पीड़ितों से मिले। एक गैर जिम्मेदाराना बयान पारस जी ने जो दिया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं था। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एक बार फिर से वो अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, देवी प्रकोप है, बाढ़ रहा जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में। इसका समाधान तो जब नेपाल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन प्रत्येक साल बाढ़ आता है, उसी हिसाब से बाढ़ रहा है उसको मदद किया जाता है, प्रशासनिक संभव होगा उतना हम लोग कराएंगे। क्या अभी दर्द जानने के लिए जाएंगे किस क्षेत्र में? जाएंगे नहीं, सभी स्वस्थ रहते हैं। बारिश के बाद टेलीफोन पर प्रशासन के अधिकारी से हमारी बात होती रहती है, और पानी भी खत्म हो गया है। और तो आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री अपने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा नहीं करने जा रहे हैं। जब इस पे प्रेस ने उनसे सवाल किया, मीडिया ने उनसे जब सवाल किए, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम नहीं जा पाएंगे। साथ ही जो बाढ़ के कहर जो लोग झेल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो दैवीय प्रकोप है। इस विवादित बयान के बाद अब विपक्षी खेमे से भी बातें निकल कर सामने आ रही है। इसमें आरजेडी के जो विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। करके और केंद्रीय मंत्री जो भी अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनको स्वागत में करोड़ों करोड़ रुपए का फ्लैक्स लगाया जाता है। उनके स्वागत पर फूल माला, बैंड बाजा और लोगों को यहां तक कि पैसे दे कर करके और भाड़े पर बुलाया जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के पास जाएं और बाढ़ पीड़ितों से मिले, और ना ही उनको ये कोई राहत सामग्री आज तक भेजने का काम किए, और ना ही उन लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जो है वो बांटने का काम किया। यही हाल है हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस जी का, पिछले दो साल से नजर नहीं आ रहे थे। तो आपने सुना कि जो मुकेश रोशन है, जो आरजेडी के विधायक है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब मंत्री जब पहली बार केंद्र से बिहार में लौटते हैं, यानी कि दिल्ली से जब बिहार लौटते हैं, तो इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो बाढ़ इलाकों का दौरा नहीं कर पाते हैं। और जब इस मामले पर जो एलजेपी के चिराग गुट के जो नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री पारस जी अपने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक सनसनीखेज बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाजीपुर में जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप हुआ है, यह प्रकोप देवी देवताओं के द्वारा लाया गया प्रकोप है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इस हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से का दौरा करने में सक्षम नहीं हूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जहां भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है, उन सारे जगहों का आप लोग सर्वेक्षण करके उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करिए। और इस तरीके का एक गैर जिम्मेदाराना बयान पारस जी ने जो दिया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं था, और उन्होंने अपने आप को एक अक्षम राजनीतिज्ञ के रूप में स्वघोषित कर लिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पुनः मैं उनके इस वक्तव्य की कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूं। तो आपने सुना कि उनका भी साफ साफ कहना है कि जो मंत्री हैं वो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी बातें, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो केंद्र में मंत्री पशुपति पारस जब पहली बार बिहार लौटे, काफी चर्चा में थे, लेकिन इस बार फिर से वो चर्चा में है इन विवादित बयानों के कारण। अब इस पर देखना ये बाकी है कि वो क्या कुछ सफाई में कहते हैं और उनका क्या कुछ इस पर रिएक्शन होता है, क्योंकि विपक्षी खेमे से रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ जो चिराग गुट के जो नेता है, उनकी भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। तो इसके बाद जो पशुपति पारस है वो इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं, ये देखना भी बाकी है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।